हाय एवरीवन, मैं हूं श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यह वीडियो नवरात्रि स्पेशल है। इस मेकअप लुक को आप डांडिया नाइट पे या गरबा के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने चेहरे को क्लीन कर लिया है और उसके बाद मैं लैक्मे का ल्यूमी क्रीम यूज़ कर रही हूं। इसे आप एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे एज अ प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने मेबेलिन का फिट मी सेड नंबर 128 फाउंडेशन लिया है और उसे चेहरे पे इस तरीके से डॉट डॉट करके अप्लाई किया है और फिर फिंगर्स के टिप की मदद से इस तरीके से डैब डैब करके अप्लाई कर रही हूँ। आपको कभी भी फाउंडेशन को इस तरीके से नहीं मिलाना होता है। आप ऐसे डैब डैब करके आप अपने पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे कंसीलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इस वजह से मैंने फाउंडेशन को अपने आँखों के ऊपर और आँखों के नीचे भी अप्लाई किया है। अगर आपके चेहरे पे ब्लेमिसेस या डार्क सर्कल्स हैं या कोई ऐसा स्पॉट है जिसे आप छुपाना चाहते हैं तो उससे आप कंसीलर की मदद से छुपा सकते हैं, तो आप कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं। एक बार फाउंडेशन को लगाने के बाद आप उसे डैब डैब करके पूरे चेहरे पे अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट लिया है और इस तरीके से डैब डैब करके उसे मैंने अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लिया है। बेस रेडी होने के बाद मैं अपनी आईब्रो को सेट कर लूँगी। आईब्रो सेट करने के लिए मैं यहाँ पर ट्रू ब्रो आईब्रो डिफाइनर ब्लू हेवन का यूज़ कर रही हूँ। ये सेट ब्राउन है। इस तरीके से जो आपकी आईब्रो की नेचुरल ग्रोथ है उसे आप फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ ऐसे लाइन क्रिएट करेंगे और फिर नीचे से भी आप लाइन क्रिएट करेंगे और फिर जो भी जहाँ पे भी आपको गैप लग रहा है आईब्रो में आप उसे अच्छे से फिल कर लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी आईब्रो को भी सेट कर लेंगे। इस पूरे मेकअप लुक को मैंने सिर्फ 4 या 5 प्रोडक्ट यूज़ करके किया है और बहुत ही सिंपल रखने का ट्राई किया है। इसके बाद हम बहुत ही आसान सा आई मेकअप करने वाले हैं। आई मेकअप के लिए आपको सिर्फ एक काजल की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी ब्लैक शेड का काजल लेंगे आप। मैं यहाँ पर माई ग्लैम का ब्लैक शेड यूज़ कर रही हूँ। आप काजल को एज अ आईलाइनर अपने आँखों के ऊपर लगाएंगे। लाइनर को आपको थोड़ा सा मोटा मोटा लगाना है क्योंकि बाद में हम उसे स्मज करने वाले हैं और लाइनर लगाते टाइम अगर ख़राब हो जाए या थोड़ा ज़्यादा मोटा लग जाए तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि बाद में हम उसे आफ्टर ऑल स्मज करने वाले हैं। दोनों आँखों पर काजल को एज अ लाइनर अप्लाई करने के बाद आप एक ब्रश लेंगे। ब्रश थोड़ा फ्लफी होना चाहिए जिसकी मदद से आप सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर पाएंगे। सो एक ब्रश की मदद से मैंने जो यहाँ पे काजल अप्लाई किया है उसे मैं इस तरीके से आँखों पर ब्लेंड कर लूँगी और फिर उसके बाद आपके पास कोई भी सॉफ्ट ब्राउन कलर की लिपस्टिक हो या फिर कोई भी पैलेट से आप इस तरीके से सॉफ्ट ब्राउन कलर लेंगे और उसको अपने आँखों के क्रीज़ पे अप्लाई करेंगे और आउटर वी पे अप्लाई करेंगे। ये क्रीज़ है। क्रीज़ पे अप्लाई करने के साथ आप आउटर वी पे अप्लाई करेंगे और फिर जो आपने काजल लगाया था सबको अच्छे से मिलाकर ब्लेंड कर लेंगे। सेम प्रोसेस मैंने दूसरी आईज़ पर भी अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं आईज़ के वाटर लाइन पर काजल अप्लाई कर रही हूँ। काजल आपको थोड़ा मोटा सा अप्लाई करना है। उसके बाद पैलेट से जो सॉफ्ट ब्राउन कलर मैंने आंखों के ऊपर यूज़ किया था उसे आप ब्रश की मदद से इस तरीके से ब्लेंड कर लेंगे और जो आपने आंखों में काजल लगाया है और जो आपने सॉफ्ट ब्राउन शेड लिया है दोनों को अच्छे से आंखों के नीचे ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद हम मस्करा यूज़ करेंगे। मस्करा को आपको लोअर लैसेस पर भी अप्लाई करना है और अपर लैसेस पर भी अप्लाई करना है। उसके बाद सेम इसी तरीके से आप दूसरी आईज़ पर भी मस्करा को अप्लाई कर लेंगे। क्योंकि मैंने बेस मेकअप करने के बाद आईज़ का मेकअप किया है तो जो भी डस्ट या फिर आपको लग रहा है कि जहाँ पर आपका फेस थोड़ा क्लीन नहीं है आप फिर से कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से उसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इस तरीके से जो भी डस्ट आईज़ मेकअप के बाद चेहरे पे आ गया है उसे आप इस तरीके से साफ कर लेंगे। लिपस्टिक के लिए मैंने मार्स का न्यूड लिपस्टिक यूज़ किया है। ये पीची पिंक शेड में है। क्योंकि मैंने जो आईज़ का मेकअप है वो स्मोकी रखा है तो इस वजह से बैलेंस आउट करने के लिए मैंने जो लिप्स का कलर है वो न्यूड रखा है। ये पीची पिंक कलर है। बहुत ही प्यारा सा शेड है।
क्योंकि ये वीडियो गरबा स्पेशल है और डांडिया नाइट के लिए है, तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा ब्लैक आईलाइनर से इस तरीके से निशान बना लिया है अपने फेस पे। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट्स क्रिएट करूँगी मैं। आप ब्लैक आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप काजल भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे डॉट्स बना लिए हैं मैंने, और मैंने रेड बिंदी लगाई है क्योंकि मेरा जो आउटफिट है वो रेड है, और उसके बाद ब्लैक लाइनर की मदद से मैं ऐसे बिंदी अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं सेम लैक्मे का ल्यूमिक क्रीम ले रही हूँ और उसे एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर रही हूँ। जो भी आपके चेहरे का हाई पॉइंट है, ऐसे चिक बोन पे या फिर नोज़ पे आप अप्लाई करेंगे और इस तरीके से आप उसे मिला लेंगे। मैं ब्लश लगाना भूल गई थी, इस वजह से मैं दोबारा से जो मैंने लिपस्टिक लगाई है वही लिपस्टिक अपने चिक्स पे और थोड़ा सा नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ, फिर उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। आप पहले ब्लश लगा लीजिएगा और उसके बाद हाइलाइटर या फिर आप जो लैक्मे का ल्यूमिक क्रीम है उसे ऊपर से अप्लाई कर लीजिएगा। यह मेकअप लुक बहुत ही सिंपल और अफोर्डेबल है। सिर्फ 5 चीज़ों को यूज़ किया है मैंने। हेयर स्टाइल करने के बाद मैंने सिल्वर ज्वेलरी को ऐड किया है अपने लुक को इन्हेंस करने के लिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये लुक कैसा लगा, और अगर आप मेरे इस वीडियो को देख के अपना लुक क्रिएट करते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर अपनी पिक्चर्स भेजना नहीं भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है vlogs by Shweta। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विश यू हैप्पी नवरात्रि। ओके बाय।